मैं हूं परवेज लोधी और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। द राइट एंगल में आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ की। वो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान से जुड़ी, वो गुड न्यूज़ है क्रिकेट से जुड़ी, जो कि पाकिस्तान ने कल T20 में तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ये जो खुशी की एक लहर है, कोविड में काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान को एक क्रिकेट के हवाले से खुशी की न्यूज़ सुनने को मिली। वो खुशी की न्यूज़ में जो सबसे बड़ा किरदार रहा वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके साथ साथ ये सीरीज़ पाकिस्तान ने 2-1 से जीती। इससे पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी जीत चुका है। ये टूर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव रहा बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट को वेलकम भी किया गया इसमें। और हम पर्टिकुलरली इस खास सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। कोविड के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड का दौरा किया था और जब हम वापस नाकामी के साथ लौटे थे, तो ये सीरीज़ पे सबकी नज़रें थी और पाकिस्तान ने सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेलेक्टर्स ने प्लेयर्स की सिलेक्शन में कितना अहम किरदार अदा किया, इसमें कैप्टनसी की बात होगी। और जो नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने मिडिल ऑर्डर का बुरी तरह फेल होना, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे अपने शो में, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद होंगे अब्दुल गफ्फार साहब, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। पाकिस्तान T20 की सीरीज़ 2-1 से जीत चुका है, सो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान मैच तो जीत गया, सीरीज़ भी जीत गया, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन्होंने दोबारा परफॉर्म नहीं किया, सिवाय अगर हम बाबर आजम और रिजवान की बात करें तो क्या कहेंगे उस बारे में? जी हाँ, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। और आई थिंक सबसे पहले अगर टॉप ऑफ द चार्ट बात करें तो साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान आना और सबसे बड़ी टीम है जो गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान आई। आपको पता है बांग्लादेश श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद ये बड़ी टेस्टिंग नेशन जो पाकिस्तान आई और फिर उसने T20 सीरीज के लिए, तो इसके लिए तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत क्रेडिट जाता है और ये वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा सकती है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे रिजल्ट की, तो ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता और फिर T20 जो एक बजाय बहुत अच्छी हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सीरीज होस्ट करने के साथ साथ कामयाबी भी हासिल की। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा अपने इंट्रो में कि जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का टॉप ऑर्डर स्पेशली ओपनर्स की अगर हम बात करें, वो एक प्रॉब्लम साफ दिखाई दिया जहाँ आबिद अली और इमरान बट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। और लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर में फवाद, रिजवान स्पेशली बहुत सुपरस्टार रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अदर अली फॉर्म में आ गए, बाबर आजम भी टीम में वापस आए इंजरी के बाद, तो ये पॉजिटिव भी हैं। लेकिन ओपनिंग का मसला मुझे लगता है वहाँ देखना पड़ेगा। जहाँ तक लेटेस्ट T20 सीरीज की बात है, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर है अपने सीख का, और उसमें सबसे बड़ा जो की फैक्टर था मोहम्मद हफीज की अदम दस्याबी, क्योंकि वो T10 लीग की वजह से नहीं पहुँच पाए। लेकिन अब पाकिस्तान की जो आइंदा लीग होगी जब वापस आएंगे तो होपफुली ये जो मसला है मिडल ऑर्डर का हल होगा। लेकिन मुझे जो कंसर्न थोड़ा बहुत लगा वो ये है कि हम इस वक्त बहुत सारे नौजवान खिलाड़ियों को मिडल ऑर्डर में मौका दे रहे हैं, और अगर हम देखें तो उनमें से कोई भी प्लेयर इस सीरीज में इंप्रेस नहीं कर सका, जिसने मुझे थोड़ा मायूस किया, क्योंकि ये सब बड़े टैलेंटेड हैं। खुर्शीद शाह 35 बॉल पे सेंचुरी बना के पाकिस्तान के फास्टेस्ट T20, इसी तरह अगर हम बात करें हुसैन तलत की, उन्होंने बहुत से रन किए थे, आसिफ अली को दोबारा चांस मिला, इसी तरह इफ्तिखार अहमद जिन पर तनकीद होती है, तो कोई भी मिडिल ऑर्डर में नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव ये रहेगा कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर में रिजवान, फिर इसके साथ साथ बॉलिंग में हसन अली की वापसी जिस तरह हुई, और फिर कल जाहिद महमूद ने जो डेब्यू किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक नया स्टार मिल गया है जो बहुत आगे पाकिस्तान को खेल सकता है। अहमान कादिर बहुत अच्छा हमारा ऑप्शन है जी। बिल्कुल गफ्फार में यहाँ पे आपको बिल्कुल आपने सही कहा कि हफीज जब वापस आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो नए प्लेयर्स हैं इनकी जगह उस तरह से नहीं बनेगी। लेकिन मैं आपसे इस सीरीज़ के हवाले से बात कर रहा था कि अगर ये जो 3-4 नए प्लेयर्स को हमने मोहम्मद आसिफ से लेके इफ्तिखार और इन लोगों को हमने चांस दिया, राइट, हुसैन तलत, क्या इसकी जगह हम सरफराज बींग ए सीनियर प्लेयर, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ हफीज, क्या हम उनको नहीं देख सकते थे? देखिए सिलेक्शन में एक चीज मुझे अच्छी दिखाई दी कि पाकिस्तान के जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसने अपने टॉप परफॉर्मर्स को, चाहे वो डोमेस्टिक इमरान बट हो, नुमान अली हो, उनको खिलाया, और ये क्रेडिट जाएगा पाकिस्तान की नई सिलेक्शन कमेटी को। इससे पहले ये हम फिक्र करते थे ना कि फवाद आलम 10 साल नहीं खेले या बाकी जो मसले मसाइल थे, लेकिन इस बार परफॉर्मर को जगह मिली है। फिर T20 के अंदर भी आप देखें ना कि दानिश अजीज मेरे ख्याल में अनलकी रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के स्क्वाड में, उनको जगह मिल सकती थी। इसी तरह अगर आप देखें तो दीगर जो हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन बिलहाल मजबूरी आपकी टीम में नए लड़के ऑलरेडी मौजूद थे,
और बिल्कुल सिलेक्शन पे बात हो सकती है 19-20, लेकिन मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ये हुई सर कि पाकिस्तान ने जिन लड़कों को चांस दिया थी उनसे तो कोई इंप्रेस नहीं कर सका। और यहाँ बहुत अच्छा मौका था, मैं समझता हूँ फजल शाह ने दाया किया, आसिफ अली ने दाया किया है, आसिफ अली को दोबारा हम लेकर आए, उनसे पहले भी वो काफी मौके उनको मिल चुके हैं, बट डिसअपॉइंटमेंट और आई थिंक कंसर्न रहेगा। और दूसरा, पाकिस्तान की T20 टीम की सिलेक्शन आगे चल के बड़ी कॉम्प्लिकेशन और एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जब इमाद वसीम और शादाब की वापसी होगी इंजरी के बाद, या आपने जो उनके अनअवेलेबिलिटी थी इमाद की, और इसी तरह अफीज जब वापस आएंगे तो जब फुल स्ट्रेंथ होगी, ये पाकिस्तान की याद रखेगा फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी जिसमें इमाद और शादाब नहीं थे, अफीज नहीं थे, ये तीन बड़े की प्लेयर्स हैं, लेकिन अब कॉम्पिटिशन भी है, शायद कॉम्पिटिशन पे आ गए हैं, अफवान कादिर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो शायद आपको मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब लिमिटेड ओवर्स में बैटिंग के सेंस एडवांटेज मिलता है, लेकिन अब वो बॉलिंग में उनको विकेट लेके देना पड़ेगी, मार्च के लिए भी यही रोल होगा। फास्ट बॉलिंग में भी शाहीन का वर्क लोड मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, उनसे हमें कम बॉलिंग करानी होगी उनकी उम्र को देखते हुए और जितना उन पर लोड है, और साथ में हारिस रऊफ है, लेकिन जो सबसे ब्राइट स्पॉट है मेरे ख्याल में बैटिंग में मोहम्मद रिजवान, हम एक नए स्टार मिले, रिलायबल हैं, रन कर रहे हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, हसन अली की जिस अंदाज से वापसी हुई है, मैं दाती तौर पे समझता हूँ कि हसन अली की जो कमी है 2 साल पाकिस्तान टीम ने बहुत महसूस किया, बिकॉज वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जितवाई, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग बॉलर रहे YCC के, तो उनकी वापसी से आपने कल भी देखे कि उन्होंने मैच को बैटिंग से ही फिनिश किया, तो है पॉजिटिव भी है, लेकिन मैंने कहा ना कि जीत कभी कभी चीजों को छुपा देती है, थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गया, हम चीजों को देख लेंगे, थोड़ा बेहतर कर लेंगे, और वर्ल्ड T20 अब सर पे खड़ा है, आई थिंक जिम्बाब्वे और फिर जो साउथ अफ्रीका की आने वाली T20 है, वनडे सीरीज है, यहाँ हमें उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए मेरे ख्याल में जो हमें वर्ल्ड T20 के लिए खिलाने हैं, और लेट्स होप कि इनमें से कुछ लड़के भी कुछ करें, क्योंकि देखिए ना वैसे मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हमने मैच में परफॉर्मेंस को यहां जगह दी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, रुकूंगा कि जहां पे देखें नए प्लेयर्स को चांस मिला और उन्होंने कुछ नहीं किया, वहीं पे देखें कल जाहिद महमूद का डेब्यू हुआ, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस 3 विकेटें उन्होंने ली, राइट, सो उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जाहिद महमूद को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत डिजर्विंग परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने और नुमान अली दोनों ने पूरे सीजन में डोमेस्टिक किया, और बहुत अच्छा लगा उनको देख के, दादू से उनका ताल्लुक है और वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, सिंध के अंदर हम बात करते थे ना कि कराची के अलावा दीगर शहरों से टैलेंट आए, तो मेरे ख्याल में बहुत इंस्पायर्ड करेंगे, कल उनकी परफॉर्मेंस पर अगर मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो हमारे अंदरूनी सिंध के सारे दोस्त और भाई हैं वो बड़े खुश थे, मोटिवेट थे, और ये होता है वहाँ, मुझे लगता है जाहिद महमूद की इमरजेंस वहाँ पूरे खत्ते में उनको वो रोल मॉडल बनाएगी, और बहुत फायदा उठाया उन्होंने अपने डेब्यू का अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि कुछ आखिर में मिलर ने उनको जरूर छके होके मारे, लेकिन वो उनकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, और मिलर ने कल बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बट जाहिद महमूद ने जिस अंदाज से सेंसेशनल डेब्यू किया है, जितना विकेट ली और जितना उनकी एक बहुत काम अप्रोच दिखाई दी, बड़ा मुश्किल होता है आप इंटरनेशनल सीन पर आए और आप हॉरिबल परफॉर्म करें, लेकिन उनका टेम्परामेंट मुझे नजर आया है, उनको कॉन्फिडेंस स्किल्स है, वो कहते हैं ना कि पक्के हैं, गेम की हुई है, लंबे लंबे सर्व किए हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस लेकर आए, मेहनत की हो, तो वो जाया नहीं जाता। नो डाउट, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ साथ मैं आपसे बस एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप समझते हैं कि इस सीरीज के जीतने के बाद मिसबाउल हक की नौकरी जो है वो बच गई है? देखिए, दुनिया में कोई भी कोच अगर टेस्ट और आपको T20 सीरीज जितवा दे तो ये बहुत ही हिमाकत होगी मेरे ख्याल में, कि अगर हम बने बनाए सिस्टम को और एक चीज सेटल डाउन हो रही, क्योंकि रिजल्ट आने का मतलब ये है कि चीजें कहीं ना कहीं तो बेहतर हुई है ना, कहीं अंदर चीजें सॉर्टेड आउट हुई हैं, चीजों ने आपको कहते हैं ना वो मशीन चल पड़ी है, मशीन को फिर रोक के दूसरी मशीन लाकर मेरा नहीं ख्याल कि सेटअप में तब्दीली यहाँ बनती है, आपको जरूर यहाँ पर सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए, वर्ल्ड कप भी इस स्तर पर है, आप नया कोच लाएंगे तो कहाँ से वो प्लानिंग बनाएगा, उसको क्या टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल मिसबाह को नौकरी उनकी मेरे ख्याल में बच भी गई है, बचनी भी चाहिए वकार पूरी टीम मैनेजमेंट को, ताकि वो फोकस करें वर्ल्ड कप पर। थैंक यू अब्दुल गफ्फार, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल गफ्फार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो हमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज का एनालिसिस दे रहे थे। इसी के साथ साथ आपसे एक और गुड न्यूज़ शेयर कर सकें कि पाकिस्तान T20 में 100 मैचेस जीतने वाली पहली टीम बन गई है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। तो आज के लिए इतना ही, वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन्स को ज़रूर बटन प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। परवेज लोधी को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम द राइट एंगल के साथ।